अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज़ एचडी। आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मैलसी ब्यूरो चीफ हाजी मोहम्मद फारिस सईदी की रिपोर्ट के मुताबिक काजी ग्रुप के रहनुमा मियां सलीम इकबाल काजी का आम इंतखाबात में सूबाई इलेक्शन की सीट पर आजाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान। काजी ग्रुप के सरबरा मियां नसीम महमूद काजी की कयादत में एमके का इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ेंगे। तफसीलात के मुताबिक काजी सलीम इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि झंडेर ग्रुप के सरबरा मियां दोस्त मोहम्मद झंडेर की मशावरत से सियासी फैसले किए जाएंगे। कयाम पाकिस्तान से ही हमारे खानदान ने आवाम की बेलास खिदमत का सिलसिला जारी रखा हुआ है। मर्सी की तरक्की के लिए काम करना हमारा मिशन है। बल्दियाती इलेक्शन में काजी ग्रुप की जानब से हर वार्ड में उम्मीदवार सामने लाया जाएगा। हम अपने सियासी फैसले करने में आज़ाद हैं, आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और एमपीए के लिए भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि आवाम के दुख दर्द में हर वक्त शरीक हैं, आवाम के लिए हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। बेलौस और मफादात से पाक सियासत हमारा वतीरा है। बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए आवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर मुजम्मल उर्फ शोभी खान, शेख गलू और दिगर भी उनके हमरा थे।